नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में 4 बार लॉकडाउन लग चुका है और कल 31 तारीख लास्ट है। कल पता चलेगा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है या नहीं। लेकिन आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, और आपके अगर दिमाग में गलतफहमी पली हुई है कि लॉकडाउन से हमारा यहाँ में स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि 4 बार लॉकडाउन लगने के बाद भी आपके देश में केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आज तो सबसे ज़्यादा करीब 8,000 के करीब केस बढ़े हुए हैं। तो अभी तक आपके 1,73,763 केस पहुंच चुके हैं, ठीक है, पाए जा चुके हैं। तो अगर आप ही सोचिए कि अगर लॉकडाउन सफल होता तो किस लिए बढ़ाया जाता बार बार। इसलिए यही सोचकर आप लोग चलिए कि ना के बराबर हमें सफलता मिली हुई है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। अब आपका कोरोना में अगर हमें जीतना है कोरोना से, तो अब इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी आपके स्थानीय प्रशासन पर, फिर चाहे आपका तहसील हो, ग्राम पंचायत हो, विधायक हो, एमपी हो, अब अपने अपने स्तर या जिला हो, अपने अपने स्तर पर निपटना होगा इससे। क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से छूट दे दी है आप लोगों को, अब आप चाहे कुछ भी करिए, ठीक है। तो अब आपको अपने ख्याल खुद रखना है। तो इसमें ये आर्टिकल लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों के किस तरह से फंड प्रोवाइड यानी कि दिया जा रहा है इससे निपटने के लिए। क्योंकि जो शहरों से मुंबई हो, फिर चाहे दिल्ली हो, सूरत हो, यहाँ से लोग अपने घर जा रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर एक बार गांव तक पहुंच गया कोरोना को जो कोरोना वायरस, तो इसे पर काबू पाना मुश्किल होगा। इसलिए अब भागीदारी है ग्राम पंचायतों की कि वही इससे देखते रहें। मैं बस भगवान से दुआ करता हूँ कि इन सरपंचों के दिमाग में यानी कि पंचायतों और एन फंड मिल जाएगा इन्हें, लेकिन ये बड़ी ईमानदारी से काम करें, बस इनके लिए इतनी ही मेहरबानी होगी इनकी। क्योंकि आधे से ज्यादा तो इन्हें कोरोना पॉजिटिव ना कोरोना वायरस से कोई मतलब नहीं, इनका सीधा सा पंडा रहता है खाने से। हकीकत यही है देश की, कोई कुछ नहीं। मैं हमेशा से बोलता है यार कि अगर देश में पंचायतें अपना योगदान अच्छे से देने लगें तो 80 से 85% समस्याएं खत्म की जा सकती हैं गांव वालों की। क्योंकि गांव वालों की असली समस्याएं क्या होती हैं, ये आपके सरपंच को ही और सचिव को ही पता रहती हैं, सेक्रेटरी को। और अगर वही सही योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, आपकी सही लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में सरकार को नहीं भेज रहे हैं, तो सरकार किसकी किसी की भी बनी रहे, फिर चाहे आपकी मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस, कुछ नहीं उखड़ेगा। गरीबी कल भी थी, आज भी गरीबी आप देख रहे हैं। कई जगह तो मैंने अक्सर देखा है कि आपके ये आवास आए हुए थे, इसमें मैंने सुना है 25 से 30 हज़ार रुपये, 1.5 लाख के करीब आते हैं, 1,50,000 के। इसमें 25-30 हज़ार प्लस समझ सकते हैं एक आवास वाले से सरपंच सेक्रेटरी मिलकर खा गए। और मनरेगा की सुन लीजिए कहानी, मनरेगा के फर्जी कार्ड बनाए जाते हैं, उसका भी घोटाला कर देते हैं सरपंच। तो इसलिए भगवान से बस कृपा प्रार्थना करिए कि ये इस बार अपना धर्म निभा दें, क्योंकि इनका धर्म तो वैसे कुछ बचा ही नहीं है। बस कृपा करिए, बस क्वारंटाइन केंद्रों और के प्रवासियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं से जूझ रही विदेश की 7,791 ग्राम पंचायतों को राहत मिलने जा रही है। इन ग्राम पंचायतों को पहली बार कोरोना के लिए फंड को मंजूरी दी गई है। 15 वित्त आयोग की सिफारिशों से मिलने वाली अनुदान राशि का 80% या इससे ज्यादा धन पंचायतें कोरोना से बचाव पर खर्च कर सकेंगे। अनुदान की पहली किस्त के रूप में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों पर करीब 50 करोड़ की धनराशि धन वर्षा होने जा रही है, यानी कि 50 करोड़ इन पर खर्च किए जाएंगे, इन्हें दिए जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अब स्थानीय प्रशासन इसे बेहतर निपट सकती है। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वहां का पंचायत का प्रमुख यानी कि जिसलिए जिसे आप लोग प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, वो क्वारंटाइन करा सकता है इन्हें। और उसे पता भी रहेगा कि ज्यादा जनसंख्या नहीं रहेगी, 3,000 के करीब, 4,000 के करीब रहेगी, कहीं कहीं आपने कम देखा होगा, 1,000 के करीब भी रहती है, तो वो उसे हैंडल भी कर सकता है, ठीक है। बस ईमानदारी से काम करे तो विदेश यही एकमात्र उपाय बचा हुआ है कि अब निचले स्तर के अगर साथ देते हैं तो ही इससे निपटा जा सकता है, वरना दिनों दिनों बढ़ रहा है कोरोना, कोई सुधार नहीं मिल रहा है। ये आप लोग गलतफहमी निकाल लीजिए, ठीक है। और हमारा देश बड़े अच्छे से तरक्की कर रहा है कि इस मामलों में 4वें नंबर पर पहुंच गया है हमारा देश,
डेली के केस जो बढ़ रहे हैं इस मामले में, यानी कि सबसे ज्यादा केस डेली के हमारे देश में बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर पर है, समझ सकते हैं। विदेश सरकार अन्य विदेशों से वापसी कर रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन केंद्र बनाने का हुक्म ग्राम पंचायतों को सुना चुकी है। हालांकि इसके एवज में उन्हें पहले कोई वित्तीय मदद नहीं दी जा सकी। बाद में इस मामले में उठाई आवाजें उठने पर सरकार ने जिलाधिकारियों को क्वारंटाइन केंद्रों में फौरी व्यवस्था जुटाने के लिए ग्राम प्रधान को 10,000 रुपये की वित्तीय मदद देने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए थे। हकीकत यह है कि सरकार के इस आदेश के बावजूद ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारियों से उक्त धनराशि नहीं मिल पा रही है। हालांकि क्वारंटाइन केंद्रों का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा, इसका आदेश सरकार जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्राम पंचायतों और प्रधानों के कोरोना से जंग में योगदान को सराह चुके हैं। अब प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों की कोरोना से लड़ाई में आर्थिक दिक्कत दूर कर दी है। ये पंचायतें अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक मिलने वाली अनुदान राशि का 20% या इससे अधिक कोरोना के से बचाव को जरूरी बंदोबस्त पर खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सभी लोग भ्रष्ट होते हैं। कई ऐसे भी हमारे यहाँ के सरपंच हैं कि उन्हें यूएन से अवार्ड भी मिल चुके हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे सब, इसीलिए कहते हैं कि अभी धरती इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इंसान अभी जिंदा है। इंसान इसलिए जिंदा है क्योंकि इंसानियत अभी भी कई लोगों में है, ठीक है। बस आप लोग समझ सकते हैं इतना कि मैं तो यही कहूंगा सीधी सी बात कि अब आपको अपनी सेफ्टी खुद रखना है, अपने परिवार की और खुद की सेफ्टी आप रखिए। सरकारें आपका कुछ नहीं करने वाली हैं। ये मेरे अंदर कोई नकारात्मक भाव पैदा नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ गरीबों के लिए, किसी गरीबों की आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती है, हकीकत यही है वास्तव में। फिर आप लोग अपना कुछ भी नजरिया रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको खुद अपनी सेफ्टी रखनी है। आपको ना तो पंच या ना सरपंच, ना ही विधायक एमपी या फिर प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं बैठना है। आप अपनी सेफ्टी पूरी तरह से अच्छे से रखिए और अपने परिवार की, क्योंकि आपके अंदर अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने परिवार को भी उसमें शामिल कर लेंगे और आपके कर्मों की सजा आपका परिवार भी भुगतेगा। इसलिए हाथ जोड़कर सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी सेफ्टी रखें, ठीक है। वरना सरकारें तो 1947 से आ रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन आज तक तो ना तो किसी गरीब के लिए पर्टिकुलर कुछ हुआ है और ना ही मुझे आशा दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा 180 200 के करीब जिस तरह से मजदूर मर चुके हैं, उससे आप लोग भी परिचित हैं, ठीक है। एक तरफ बड़े लोगों के लिए हवाई जहाज चलाया जाता है, चलाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे लिए नागरिक हैं। लेकिन उनके लिए अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो गरीबों के लिए 10 रुपये खर्च करना तो बनता है कि नहीं बनता है। एक नाम मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा हूँ आपसे, सोनू सूद। एक काम किसे करना चाहिए, वो बेचारा सब लोग इस समय घर में बैठकर एसी पंखों कूलर की हवा ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं। राम ने ये कभी नहीं कहा कि तुम जब गरीब जनता पर विपत्ति आए तो घर में बैठ जाए राजा, ये कभी नहीं कहा। अगर वो अभी राम जिंदा होते या राम इस समय होते तो वो जाकर जनता में रहते, फिर चाहे उनका कुछ भी होता। तो सोनू सूद को देखिए कि जो काम नेताओं को करना चाहिए वो इंसान कर रहा है जिससे हमारी कोई उम्मीद नहीं थी जिस पर, ठीक है। नेताओं का क्या मतलब है जब सोनू सूद जैसा आदमी कई हजार मजदूरों की मदद कर चुका है, लगातार लगा हुआ है और खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों में घूमता फिरता रहता है, उसे कोई जान की परवाह नहीं है। और हमारे नेताओं को देखिए, जाकर एसी में बस टीवी रामायण देखी जा रही, महाभारत देखी जा रही है। अगर मैं इतना कहता हूँ कि अगर सच में भगवान होते हैं और कर्मों की सजा मिलती तो इस कृत्य के लिए, इस काम के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो चुप बैठकर तमाशा देखने वाला हो या फिर चाहे आपका कोई भी नेता हो। क्योंकि इस समय जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जिसका परिवार का एक मेंबर मरता है उसकी जगह अपने आप को कभी रख कर देखिए, तब पता चलेगा एसी में बैठने का, पंखा में बैठकर लिखने का, फेसबुक पर सोशल मीडिया पर अपने भाषण प्रकट करने का मतलब क्या होता है, समझ में है। और भगवान से कभी डरिए, क्योंकि भगवान सजा जरूर मिलती है। आज आप दूसरे पर जुल्म ढा रहे हैं, कल आप पर कोई खाएगा, क्योंकि
क्योंकि अभी जो गरीबों की हालत है आप समझ सकते हैं, और ना समझते हो तो कभी अपने आप को उस जगह रख कर देखिएगा। एक बात आप समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि जो डेली कमाता था वो डेली खर्च करता था, अपनी जिंदगी का निर्वहन करता था, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था, उन पे क्या बीती होगी। कभी सोचिए उनकी जगह अपने आप को रखिए, रिक्शा वालों के पास, चाय वालों, इस तरह की सब्जी वालों के पास, जो डेली अपना काम चलाते थे। ठीक है, इंसानियत निभाइए वरना मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ना ही कोई सेवा। इस समय हमें ज़रूरत है सेवा करने की, ठीक है, अपने घर में बैठने की नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना घर बेचकर पूरी संपत्ति गरीबों पर लुटा दीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है, और अगर सक्षम नहीं है तो मुंह बंद करके अंदर बैठें, यानी कि उन पर भाषा ठंडा दें कि वो क्यों मर रहे हैं गरीब, उन्हें जो हो रहा है ठीक है, आप उन्हीं उनके जो दर्द है उसे और मत बढ़ाइए, ठीक है। इस संबंध में प्रस्ताव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अनुमोदन मिल चुका है। अनुदान राशि को सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर खर्च किया जाएगा। इसके बावजूद बाद शेष धनराशि में से 20% को कोरोना से जागरूकता बचाव के उपाय क्वारंटाइन के केंद्रों पर भी खर्च किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ग्राम पंचायतों को 28.50 करोड़ और 95 क्षेत्र पंचायतों को 21.25 करोड़ की धनराशि जल्द ही जारी की जा रही है। जिला पंचायतों को बीती 21 अप्रैल को धन दिया जा चुका है। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा है कि पंचायतों को उक्त फंड मिलने से कोरोना से बचाव के उपाय करने में उन्हें मदद मिलेगी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुदान में ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी 75% वहीं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की हिस्सेदारी क्रमशः 10% और 15% होगी। वहीं अब शहरी निकायों के अनुदान में से 3.564 यानी कि 3.54% छावनी बोर्ड को मिलेगा। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया। मंत्रिमंडल में बीती 21 मई को 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों, स्थानीय निकायों, छावनी बोर्डों के लिए अनुदान हिस्सेदारी तय की है। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उक्त संबंध में वित्त सचिव ने नई हिस्सेदारी को लेकर शहरी विकास सचिव और पंचायती राज सचिव को आदेश दिया है। क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की मौजूदा हिस्सेदारी क्रमशः 20% और 25% घट तो गई, लेकिन उन्हें भी फायदा मिला है। दरअसल 14वें वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में से सिर्फ पंचायतों के लिए अनुदान की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद आयोग ने अनुदान में क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की हिस्सेदारी भी तय की। इसी तरह राज्य में पहली बार छावनी बोर्ड को भी राज्य सरकार के शहरी निकायों के खाते से अनुदान मिलेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य के करीब 9 छावनी बोर्डों की हिस्सेदारी 3.54 यानी कि 3.54% तय की गई है। छावनी बोर्ड को कुल शहरी निकायों को मिलने वाली 278 करोड़ राशि में से इस साल 9.8 करोड़ मिलेंगे, यह राशि छावनी बोर्ड को मिलेगी। सरकार के आदेश के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अनुदान के लिए तय की गई नई हिस्सेदारी में से प्रदेश की 7,791 ग्राम पंचायतों को करीब 430.5 करोड़, 95 क्षेत्र पंचायतों को 57.4 करोड़ और 13 जिला पंचायतों को 86.1 करोड़ मिलेगा। ठीक है, अब इतना है बस कि ये लोग अपना धर्म निभा दें, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा दें, तो इससे बेहतर भी निपटा जा सकता है कोरोना वायरस से। ठीक है, और सबसे हाथ जोड़कर इतना विनती करता हूँ यार, इंसान होने के नाते कि कोई नफरत ना फैलाए। अगर किसी में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे हीन की भावना से ना दिखें, उसके प्रति नफरत ना करें, क्योंकि उसमें कोई गलती उसकी नहीं है यार, सबसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो अपने लोगों के प्रति भावना संभावना बनाए के रखें, मानवता बनाए रखें, और कभी अपने मन में अगर उल्टी सीधे सवाल आते हैं कि वो मर रहे हैं, वो अपने कर्मों से मर रहे हैं,
तो उन्हें अपनी अपने परिवार को भी उनके परिवार की जगह देख के कभी रख पता चल जाएगा, ठीक है। अरे भाई कभी तो अपने कर्मों से डरा करो यार, कि 24 घंटा नफरत 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 भर दी गई है। तुम इंसान हो या मुर्दा बनकर जी रहे हो कि किसी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। अपनी सेफ्टी रखिए, अपनी परिवार की सेफ्टी रखिए। चलिए ठीक,